भिवंडी शहर और ग्रामीण भागों में आम नागरिकों को अपने उचित इलाज के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर भिवंडी का धांगे हॉस्पिटल अब हार्ट की बीमारियों सहित और भी बड़ी बीमारियों के लिए तत्पर हो गया है। बता दें कि धांगे हॉस्पिटल में विशेषतः कार्डियक केयर का शुभारंभ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल पोददार, डॉक्टर जाकिया खान, डॉक्टर धुरेंद्र कटके, डॉक्टर उज्ज्वला बद्रापुरकर, डॉक्टर मुसैब खान और डॉक्टर हम्माद मोमिन के उपस्थिति में हुआ। बता दें कि धांगे हॉस्पिटल में आम बीमारियों सहित अब हार्ट, किडनी, कैंसर, कार्डियक, न्यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी जैसे इलाज होंगे। जिन मरीजों को अपने इलाज हेतु भिवंडी से दूर मुंबई जाना पड़ रहा था, अब सारी सुविधाएं भिवंडी के धांगे हॉस्पिटल में मुहैया कराई जा रही है। विशेषतः धांगे हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर मुसैब खान के मार्गदर्शन में डॉक्टर हम्माद मोमिन सहित कई डॉक्टरों की टीम तत्पर रहेगी। डॉक्टर हम्माद आज जो चालू करेंगे कार्डियक सेंटर, इससे एक बहुत टीम की कामना जो है भिवंडी की पूरी हो जाएगी। यहाँ पर पेशेंट्स है कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी छोड़ के जो कुछ भी उनका इलाज है सब यहाँ पर हो जाएगा। जैसे इकोकार्डियोग्राफी है, स्ट्रेस टेस्ट है, शोल्डर मॉनिटरिंग है, ये जो आम चीजें छोटी छोटी चीजों के लिए जो बाहर जाना पड़ता था उसकी जरूरत नहीं, कंसल्टेशन भी यहाँ पर है। तो पूरी तरह से जो भिवंडी को जरूरत थी आज एक फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट की, यहाँ रहने वाले कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इतने होनहार है, ये इतने होशियार है और इतने काम में अच्छे हैं कि मुझे लगता है कि भिवंडी की पूरी कामना पूरी हो जाएगी। सर क्या कहेंगे, आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आउट ऑफ इंडिया भी प्रैक्टिस करके आए, इंडियन प्रैक्टिस और इंटरनेशनल प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस टाइप का? डिफरेंस कुछ भी नहीं है आजकल, आज जो इंडियन प्रैक्टिस है वो सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, बल्कि अच्छा है, बल्कि सबसे बल्कि अच्छी है। सच बात है, डॉक्टर सस्ती है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आज बाहर की कंट्री में सिर्फ बाईपास भी करना है तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, एंजियोप्लास्टी 25 लाख से कम खर्चा नहीं आता है, यहाँ तो बहुत ही सस्ता है। सीनियर डॉक्टर है, हमारे साथ आप क्या सजेस्ट करेंगे लाइक भिवंडी सिटी को लेकर? भिवंडी सिटी हमारे पहले ही होना है, काफ़ी मेहनती है, तो बेसिकली क्या मेरी उनकी सलाह यही है कि उनको सलाह देने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज़ें वो बेस्ट विशेस हैं मेरे, उनकी शुभकामनाएं हैं, उनको सब मालूम है कि पेशेंट मेन होता है, उनको मालूम है, हमारा पूरा अप्रोच उन्होंने देख लिया है कि पेशेंट की बीमारी दूर हटना ये सबसे मेन अपना कर्तव्य है। सिर्फ डॉक्टर मुसैब अहमद खान, आई एम द CEO ऑफ धांगे हॉस्पिटल। नाउ एवरीवन नोज धांगे हॉस्पिटल इज द ब्रांड। नाउ सिंस 1978 डॉक्टर जाकिर धांगे इज स्टार्टेड द भिवंडी फर्स्ट सर्जन। नाउ अभी लास्ट 5 ईयर से हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसको डेवलप किया है। नाउ वी हैव मल्टी स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स ऑल्सो जो भिवंडी में ही प्रॉपर भिवंडी के ही है और भिवंडी में ही प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ धांगे हॉस्पिटल में ही रेगुलर OPDs करते हैं। जैसे कि आज के दौर में पहले ये होता था कि भिवंडी के पेशेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था। नाउ अभी फिलहाल नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सर्जन्स हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हम्माद मोमिन हैं, डॉक्टर माजिद मोमिन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एंड डॉक्टर जकी मोहम्मद बेलारी है। ये तीनों प्रॉपर भिवंडी के ही है, सुपर स्पेशलिटी है, ताकि भिवंडी की पब्लिक को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर इन भिवंडी इन वन रूफ हम ये भी दे रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अभी फिलहाल कोई भी भिवंडी का हॉस्पिटल इतनी फैसिलिटीज़ कोई नहीं दे रहा है। नाउ अभी जस्ट स्टार्टेड, आज से हमने कार्डियक सेंटर स्टार्ट किया है जो कि 2D को स्ट्रेस फोल्टर मॉनिटरिंग के लिए भिवंडी के पब्लिक के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। और रही बात चार्जेस की, तो उसमें काफ़ी निगोशिएबल रहेगा, काफ़ी जो पुअर पब्लिक है उनको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हमने टारगेट रखा है कि जितनी पुअर पब्लिक हो जो बाहर जाने के बाद में जैसे गवर्नमेंट सेटअप में उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती, वो चीज़ें हम यहाँ पर ही इन वन रूफ उन सबको ये फैसिलिटीज़ दे पाए। भिवंडी में ये जो हमने कार्डियक सेंटर शुरू किया है, ये भिवंडी का समझ लीजिए कि दूसरा कार्डियक सेंटर है। पहले जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थी जगह में वो 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन भिवंडी की पॉपुलेशन इतनी है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट इनफ नहीं है, तो ये भिवंडी के लिए बहुत ज़रूरी भी था, तो इसमें हमने सारी फैसिलिटी रखी है।
कि जो नॉन इन्वेसिव बोलते हैं जैसे कि 2DA को स्ट्रेस टेस्ट, ऑल्टर मॉनिटरिंग और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें, इसके अलावा जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की भी जो ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे मैं सर के साथ ही काम कर रहा हूँ हिंदू महासभा हॉस्पिटल, वहाँ पे स्कीम की भी फैसिलिटी है राजीव गांधी की, तो यहाँ से वो पेशेंट हम जो एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ेगी उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, वहाँ भी हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास वगैरह कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने अब तक लगभग 10-12 पेशेंट्स को हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो भी स्कीम के थ्रू, दो पेशेंट का बाईपास भी हो चुका है,